नए मंडी एक्ट से आई विसंगति को कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने व्यापारियों से चर्चा के बाद दूर कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सहमति के बाद अब प्रदेश की मंडियों में मंडी टैक्स 1.50 रुपए के स्थान पर केवल 50 पैसे वसूला जाएगा। इसके साथ ही निराश्रित सहायता के 20 पैसे वसूलना भी बंद कर दिए गए हैं। राज्य सरकार के इस फैसले को कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने जन्मदिन का तोहफा बताते हुए कहा कि नए मंडी एक्ट से अब किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की छूट है। अनाज के भंडारण के लिए लाइसेंस की बाध्यता भी खत्म हो गई है। कमल पटेल ने बताया कि मंडी के बाहर कारोबार पर कोई मंडी टैक्स नहीं था, लेकिन मंडी में 1.50 रुपए मंडी टैक्स देने के साथ ही 20 पैसे निराश्रित सहायता शुल्क देना पड़ता था। व्यापारी मंडी टैक्स घटाने की मांग को लेकर पिछले 12 दिन से हड़ताल पर थे। सकल अनाज दलहन तिलहन व्यापार समिति के अध्यक्ष गोपाल दास अग्रवाल ने कहा कि सरकार के इस फैसले से व्यापारियों को राहत मिलने के साथ मंडियों को बचाने का रास्ता भी खुला है। भारत सरकार ने मंडी एक्ट में संशोधन किया है, मॉडल मंडी एक्ट लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मॉडल मंडी एक्ट बनाया किसानों के हित में। अब किसान मजबूर नहीं होगा बल्कि मजबूत होगा। अब किसान सिर्फ मंडी में माल बेचने के लिए मजबूर नहीं रहेगा, वो घर से भी खलियान से भी खेत से भी बेच सकता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेकर जो भी पैन कार्ड धारी है और उसका किसान का सौदा पड़ता है, उसको अच्छे रेट मिलते हैं, उचित मूल्य मिलता है, बाजार से ज्यादा मूल्य मिलता है, तो वो खलियान से भी बेच सकता है, उसको छूट दी गई है। लेकिन मंडी में जो अभी तक टैक्स लगता था वो 1.50 रुपए टैक्स था मंडी शुल्क और 20 पैसे निराश्रित शुल्क। इस प्रकार 1.70 रुपए लगता था उसका हर सैकड़े में। और इसलिए अब मंडी के बाहर जब निःशुल्क है, कोई टैक्स नहीं है मंडी में, तो इसलिए व्यापारियों ने स्ट्राइक की थी क्योंकि उनको पड़ताल नहीं बैठती। और इसलिए ये 12 दिन से हड़ताल चल रही थी। सभी संगठनों से चर्चाएं की, मैंने भी अधिकारी चर्चा की, सब देखा और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आज मेरा जन्मदिन भी है और ये लोग सब आए, उन्होंने बधाई दी, शुभकामनाएं दी और मेरा जन्मदिन आज सार्थक हो गया कि व्यापारियों और मंडी बोर्ड और मंडी समिति, कृषि मंत्रालय और मुख्यमंत्री जी के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और हम सहमत हो गए कि 1.70 रुपए जो लगते थे उसको हम 50 पैसे करेंगे। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।